अच्छा, जिसके बाद हम ईयर पर आ जाते हैं। ईयर जो है वो हेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज विजन, कि ये ईयर जो है हमारा, हम कहते हैं कि ये हेयरिंग का ऑर्गन है। अवर ईयर हेल्प अस इन हेयरिंग, मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ अवर बॉडी। और हेयर एयर के जो हम कहते हैं कि ये थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम, जिसको टेम्पेनियम भी कहते हैं। पिना जो है वो, एक्सटर्नल पिना भी हम इसको कहते हैं, इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ द कार्टिलेज एंड कवर्ड विद द स्किन। जो हमारे बाहर एयर नज़र आ रहा होता है कान, इसको हम कहते हैं ये पिना है। अगर आप देखें कि हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, इसको टर्न भी किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज के ओवर जो है स्किन प्रेजेंट होती है। इट हेल्प टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इन टू ऑडिटरी कैनाल्स। इसका फंक्शन ये है कि जो साउंड जो होती है वो वेव्स की फॉर्म में उसको ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट करता है। देयर आर स्पेशल ग्लैंड इन द वॉल ऑफ द ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। इसमें ऑडिटरी कैनाल में स्पेशल ग्लैंड होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। वैक्स का भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास जो हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर है, ये इसका पिना है, ठीक है। ये जो है हम कहते हैं कि ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल है, ये उसका जो है वो ड्रम होगा। यहाँ अगर हम देखें, ग्रीन वाला पार्ट जो है वो इसका एक्सटर्नल ईयर है, ब्लू पार्ट जो है वो मिडल ईयर है, और ये जो ऑरेंज पार्ट है ये इसका इंटरनल ईयर है। फिर ये भी इसी तरह, द वैक्स एंड द हेयर्स इन द ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। इसको रोक लेता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑफ एंड ऑन अपने ईयर जो है वो उसको साफ करते रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड्स। इस तरह कोई पॉइंटेड चीज नहीं पेनिट्रेट करनी चाहिए, डालनी चाहिए, वो डेंजरस हो सकती है। दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल एंड इन द एयर ड्रम। जो ऑडिटरी कैनाल है वो एयर पिना से स्टार्ट होती है और आके जो हमारी एयर ड्रम है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। जो एयर ड्रम है, दिस इज द थिन मेम्ब्रेन, और ये एयर ड्रम जो है सेपरेट करती है एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर को। उसके बाद मिडल एयर आता है। मिडल एयर इज अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल एयर। थ्री स्मॉल बोन कॉल्ड द मिडल एयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द चेन इन मिडल ईयर। मिडल ईयर में तीन मेन बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। दीज मूवेबल बोन्स इंक्लूड मेलस, एनकस एंड स्टेप्स। मेलस इज अटैच विद द एयर ड्रम। मेलस जो है वो एयर ड्रम के साथ अटैच होता है। देन का कम्स इनकस एंड फाइनल स्टेप्स दैट इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड द ओवल विंडो। ओवल विंडो सेपरेट मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। मिडल ईयर और इनर ईयर की जो सेपरेटिंग पॉइंट्स हैं उसको हम कहते हैं ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो पर जो है वो इनकस और स्टेप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं बोन्स। मिडल ईयर आल्सो कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी थ्रू द एस्टोचियन ट्यूब। एस्टोचियन ट्यूब जो है वो नेजल ट्यूब से या नेजल चैम्बर से जो है वो हमारे एयर को लिंक करती है। इसलिए आप देखते हो कि समटाइम जब फ्लू हो रहा हो तो हमारे एयर जो है वहाँ पे भी फ्लू जो है वो अफेक्ट करता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम। मीन्स कि एयर ड्रम के एक्सटर्नल साइड पर और इंटरनल साइड पर जो एयर का प्रेशर है उसको ऑस्टिचियन ट्यूब जो है वो मेंटेन करती है। जब आप वहाँ जाते हैं, मरीज वाली साइड पर जाएं या हाई माउंटेन एरियाज की तरफ जाएं, तो एयर जो है वो नॉर्मली आपके पॉप कर जाते हैं। और वो रीज़न ये होती है कि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, हम जहाँ से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो फिर उसको बाद में बैलेंस कर देते हैं ताकि वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर है वो। ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो कि ये हमारा आउटर एयर था, ठीक है। यहाँ तक ये आउटर एयर है, ये एयर ड्रम है, ये जो है ये मैलस है, ये हम कहते हैं एयर ड्रम के साथ अटैच है। उसके बाद यहाँ पे इनकस आ जाता है और ये जो है ये स्टेप्स है। स्टेप जो है वो हमारा इनर ईयर के साथ अटैच हो जाता है और ये जो है ये दरमियान में है। इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो मिडल ईयर का है,
ठीक है। और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये इनर ईयर कहलाता है कि ये इनर ईयर का है, और ये स्टेचन ट्यूब है जो कि नेजल चैम्बर से आ रही थी और ये लिंक करती है मिडल ईयर को आके। इनर ईयर, इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स, वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोचलिया या कोकिलिया भी इसको बोलते हैं। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर के सेंटर में जो है हम कहते हैं वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। थ्री कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। द कोचलिया इज मेड ऑफ द थ्री डक्ट एंड रैप इटसेल्फ इनटू द कॉइल ट्यूब। ये जो कोकिलिया है या कोचलिया है, इसमें थ्री डक्ट्स होती हैं जो कि कॉइल्ड होती हैं और हम कहते हैं कॉइल ट्यूब बनती है। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ द कोचलिया। जो कोकलिया या कोचलिया है, इसके जो मिडल डक्ट है उसमें हम कहते हैं कि साउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और उसको आगे उन्होंने ट्रांसफर करना होता है। ये आप देख सकते हो, हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ये इनर ईयर है बेसिकली, ठीक है। ये वो सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक ये है और एक हम कहते हैं कि ये वाली सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। और एक जो हम कहते हैं कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये थ्री मेजर कैनाल्स हैं। और इनके साथ आप देख सकते हो, ये हम कहते हैं कि वैसे टिबियो को लिए कोचलियर नर्व है जो कि ब्रेन के साथ लिंक करेगी, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये वहाँ पे जो है वो लिंक करती है हमारे ब्रेन के साथ, और ब्रेन जो है फिर उन साइड वेव साउंड वेव्स को जो है वो डिटेक्ट करता है। ये भी ईयर का जो है वो डिफरेंट हमने एंगल से जो है पिक्चर्स यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। ये वही, ये ऑडिटरी ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये ऑडिटरी ट्यूब है, ये स्टेप्स है, ये इनकस है, ये मेलस है, और ये ईयर ड्रम था, ये एक्सटर्नल लेयर, ये वाला पोर्शन मिडल लेयर, और ये इंटरनल लेयर जो है या इनर ईयर। द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग होती कैसे है। द पिना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर फोकस एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। ईयर जो हमारा पिना है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा और डायरेक्ट कर देगा ऑडिटरी कैनाल की तरफ। द साउंड वेव स्ट्राइक्स ईयर ड्रम। अब ये जो साउंड वेव्स आ रही थी, ये जाके हमारे ईयर ड्रम को जो है वो स्ट्राइक करती हैं साउंड वेव्स जो हैं। जब ये स्ट्राइक करती हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ईयर ड्रम में, ठीक है। अब फ्रॉम द ईयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक मिडल ईयर। चूँकि वाइब्रेशन, हम कहते हैं कि जो मिडल ईयर है हमारा वो लिंक्ड है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर जो है वो आपस में लिंक्ड है। अब यहाँ से जो वेव्स आ रही होंगी, जो ईयर ड्रम से आ रही थी, वो वाइब्रेशन जो हम कहते हैं कि मूव करेगी टूवर्ड्स द मिडल ईयर के एंड प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन इन द मेलस, इनकस एंड देन स्टेप्स। आपको पता है ये थ्री बोन्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड थी। फ्रॉम द स्टेप्स द वाइब्रेशन स्ट्राइक द ओवल विंडो। अब ये स्टेप्स जो है, ये वाइब्रेशन ओवल विंडो तक ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, एंड देन रीच द फ्लूइड फील्ड मिडल डक्ट ऑफ द कोचलिया। और ये जो है, जो मिडल डक्ट है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो फिल हुआ होता है, वो वाइब्रेशन जो है वो ओवल विंडो से वहां तक जाएगी। द फ्लूइड ऑफ द कोचलिया इज मूव्ड एंड रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड। अब ये फ्लूइड जो है कोचलिया का, ये मूव करेगा, इसमें वाइब्रेशन होगी, इसमें जो है मूवमेंट होगी, और रिसेप्टर सेल जो होंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उस मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिसेप्टर सेल जनरेट नर्व इम्पल्स, और वहाँ से जो रिसेप्टर सेल्स थे जिन्होंने वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज किया, वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। ये नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है वो इस साउंड को इंटरप्रेट करेगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। और इसीलिए आप देखते हो कि ब्रेन में जो है वो फिर सेव हो जाती हैं साउंड जो हैं, और फिर उसको जो है वो दोबारा जब आप बात करते हो, जब एक दफ़ा ब्रेन ने उसको मेमोराइज कर लिया, सेव कर लिया, तो फिर वो आपको रिकॉग्नाइज कर जाता है, ठीक है। ये कौन मैकेनिज्म था कि जिससे बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है हमारी, कि जिसमें एयर का जो है वो रोल है।